हे गाइस, दिस इज शुभम बार्ले एंड वेलकम टू जिम नेक्स्ट। तो गाइस, आज बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक स्किल हम आपके पास लेके आए, जिसको बोलते हैं जाइंट। तो आप देखो जाइंट क्या होता है। तो गाइस, ये है जिमनास्टिक्स एंड कैलिस्थेनिक का एक स्किल है। जिमनास्टिक में पूरे हाई बार में जाइंट से ही पूरे स्किल्स होते हैं, ठीक है। और कैलिस्थेनिक में जाइंट बहुत डिफिकल्ट माना जाता है और बहुत ही हाई स्किल होता है। जो जाइंट कर लेता है उसके लिए बहुत ही क्लैपिंग होता है और उसको लेजेंड माना जाता है, ठीक है। तो जाइंट आज तक किसी ने इंडिया में हिंदी में कोई किसी ने वीडियो नहीं बनाया स्टेप बाय स्टेप। तो हम चाहते हैं कि अब जाइंट हर कोई सीखे, कोई इससे डरे मत। तो स्टेप बाय स्टेप सेफ्टी के साथ कैसे करते हैं ये बिल्कुल हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो पे। तो गैस, सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपको पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है, क्योंकि ऐसा वीडियो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा और ये टेक्निक आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल प्रेसिस टेक्निक है ये, ठीक है। तो सबसे पहले जाइंट के लिए सेफ्टी पर्पज़ पे बात करते हैं, क्योंकि सभी को इस चीज़ के लिए डर लगेगा और उसके लिए सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो आपका बार है ये बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए और इसका लेवल बिल्कुल एक लाइन पे होना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा ऊपर नीचे करोगे तो आपके शोल्डर पे इंजरी हो सकता है, क्योंकि अनइक्वल वेट आएगा तो बहुत ही बेकार रहेगा आपके शोल्डर के लिए, ठीक है। तो पहले आपका बार अच्छा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए और सही से होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि मैं इसमें कर सकता हूँ। अब आगे मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो हमने ये लगाया है, एक प्लास्टिक का है, जिसमें हमने जो झाड़ू होता है, ठीक है, झाड़ू होता है तो उसका जो पीछे का पाइप होता है प्लास्टिक वाला, तो इसको हमने काट के लगाया हुआ है, देखो, ताकि ये क्या होगा, बार पे स्लिप होगा, ठीक है, स्लिप होगा। आप देख सकते हैं दो हमने लगाया है हाथ के थोड़ा ऐसा शेप में, थोड़ा सा आगे तक गया हुआ है, ठीक है, और इसमें टेप बांधे हुए ताकि ये निकले मत, देख सकते हैं आप। अब क्या है कि एक बैंड होता है, ठीक है, बैंड आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। आप देख सकते हैं बैंड है, पकड़ना है, तो ये जो बैंड है ये बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। जो आपका बैक का जो स्ट्रिप होता है, पीछे का जो हम बैक यहाँ पे लटकाते हैं, तो उसी चीज़ का ये, और इसको सिलाई किया गया है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसका साइजेस आप अपने हाथ के हिसाब से नाप सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है ये। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये दो चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। अब इसको लगाते कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो बैंड है बिल्कुल टाइट रहना चाहिए, इसको आप ऐसे रख दो और अपने रिस्ट पे रिस्ट बैंड बांध लेना, ठीक है। मैं तो अभी आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, लेकिन रिस्ट बैंड जो होता है स्ट्रैप बैंडेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप बांध लो पूरा यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, देखो जैसे यहाँ पे, अब मैं यहाँ से एक हाथ डालूंगा अपना, ठीक है, ये डाल दिया। अब इसको अंदर की तरफ रोटेट करना है, ठीक है, देखो ये हुआ, यहाँ साइड कर दो पहले दोनों को, लूप को। अब इसको रोटेट करके बार पकड़ना है, ठीक है, और ये टाइट रहना चाहिए आपका, ठीक है, देखो, और ये घूमना चाहिए बार पे, कुछ ऐसा जमा नहीं रहना चाहिए कि ये घूमे ना, ठीक है, एकदम इजली घूमना चाहिए, बिल्कुल स्लिप होना चाहिए। तो ये मैंने बांध लिया। अब इसको भी सेम मैं क्या करूँगा, इनसाइड डालूंगा, इसको अंदर की तरफ रोटेट करके, ये दिख गया आपको, देखो, अब मैं यहाँ पे हैंग कर रहा हूँ तो बिल्कुल मेरा हाथ जमा हुआ है, बिल्कुल छूटने का चांसेस नहीं है, आप देख सकते हैं कितना स्टेबल। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे घूम रहा था और कितना अच्छा टाइट है ये। तो एक बार आपको ऐसा सेफ्टी मिल जाएगा तो आपको सबसे पहले डर खत्म हो जाएगा कि अगर मैं कुछ भी हो मैं गिरूंगा नहीं, मेरा हाथ नहीं छूटेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप सीखो तो एक पार्टनर आपके पास रहना चाहिए, कभी इनके साथ छूटा स्लिप हुआ तो वो होल्ड कर लेगा, और नीचे ऐसे मैट रहने चाहिए आपके पास कुछ, ठीक है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। बाकी तो वैसे भी इसमें हाथ छूटता नहीं है ज़्यादा, फिर भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत ईजी रहेगा और सेफ्टी तो आपको लेके चलना है। तो गाइस, सेफ्टी के बाद आप डायरेक्टली चलते हैं एक्सरसाइज में, कि अब आपको एक्सरसाइज क्या क्या करना है इसके लिए और आपका बॉडी कैसा प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ईजी है कि आपका हैंड स्टैंड आप परफेक्ट कर लो, एकदम स्ट्रेट लाइन में कर लो, और थोड़ा होल्डिंग आना चाहिए आपको। अगर उतना कर लोगे तो आपका बिल्कुल जॉइंट अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो आप देखो, मैं हैंड स्टैंड आपको दिखाता हूँ, तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो ज्यादा देर तक होल्ड किया, आपको देखो मैं इतना अगर आपसे हो जाए, ठीक है,
तो ये हैंड स्टैंड अगर आप एक दो सेकंड भी होल्ड कर लेते हो और बॉडी पोजिशन मेंटेन कर लेते हो अपना एकदम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो आप बिल्कुल जॉइंट इजिली कर सकते हो। हमने पहले हैंड स्टैंड का पूरा ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप बनाया हुआ है। अगर आपसे हैंड स्टैंड नहीं होता स्ट्रेट लाइन में, तो आप पहले स्ट्रेट लाइन में हैंड स्टैंड कैसे करते हैं ये सीख लीजिए। अब जैसे ये हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। तो फिर आपको ऐसा एक सिंगल बार पे हैंड स्टैंड आना चाहिए, तभी आप देख सकते हैं ये स्टेप का सिंगल बार पे हैंड स्टैंड, ठीक है। एक बार ये बार पे अगर आपका हैंड स्टैंड होने लग जाए फिर आपको फॉल सीखना है। आप देख सकते हैं कैसे फॉल, तो बार को पकड़े हुए हैंड स्टैंड फॉल सीखना आपको। पहले तो स्ट्रेट लाइन में एक सिंगल बार पे हैंड स्टैंड होना चाहिए, नीचे वाला बार कोई भी आप चूज कर लो, और फिर ऐसा आपके पास मैट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप जॉइंट करोगे स्विंग करोगे फिर हैंड स्टैंड तक पहुंचोगे फिर आपको कैसे गिरना है ये भी आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे एकदम लूज छोड़ दिए बॉडी, आपका बॉडी कनेक्टेड नहीं है, तो फिर वहाँ पे इंजुरी के चांसेस बढ़ सकती है और आपका एंगल ही पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हैंड स्टैंड फॉल बहुत जरूरी है इसके लिए। तो नवीन दो तीन बार और करते हैं। तो ये हैंड स्टैंड हुआ, ठीक है, हैंड स्टैंड हुआ, ये स्ट्रेट लाइन आपका लॉन्ग फॉल होना चाहिए और बार आपको पकड़े रहना है, ठीक है। फिर से, ठीक है, जैसे ये हैंड स्टैंड है, अगर देखो मैं एक मिस्टेक बताता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि ये टोस को लीड करने के अलावा चेस्ट लीड करते हैं। नवीन एक बार चेस्ट लीड करना, ऐसे नहीं होना चाहिए आपका बॉडी। अगर ऐसे गिरोगे तो आपके पूरे ये कमर पे जर्क आ सकता है और इंजरी भी हो सकता है। तो आपको स्ट्रेट लाइन करना है और फिर लॉन्ग फॉल, ठीक है, और बार पकड़े रहना अच्छे से। तो आप बिल्कुल ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपका बॉडी पोजिशन और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि हाँ आपको ये इमेजिन करना है कि मेरा जॉइंट यहाँ तक बार पे हैंड स्टैंड हो गया, अब उसके बाद मैं कैसे फॉल करूँगा आएगा मोमेंट। तो ये माइंड सेट आपका रहना चाहिए। और अगर आपके पास सिंगल बार नहीं है तो हम लोग फ्लोर में भी इसको कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नवीन फ्लोर में देख सकते हैं। तो फ्लोर में ऐसा हैंड स्टैंड करो और फिर स्ट्रेट फॉल जी, ठीक है, बिल्कुल बॉडी एक लाइन में गिरना चाहिए। आप देख सकते हैं, मैं भी एक बार करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको ये फॉल करना है और इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। बॉडी पोजिशन एकदम टाइट रखो आप, ठीक है, अपना कोर कनेक्टेड रखो और ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। अब चलते हैं आगे। तो गैस, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको बहुत वैल्यू मिल रहा है और ऐसा वीडियो आपने शायद कभी नहीं देखा होगा, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक करो और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही जो वीडियो कभी नहीं देखे होगे बिल्कुल प्रेसिजियस टेक्निक आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा आगे भी। और आप कमेंट भी कर सकते हो कि अब आपको कौन सा ट्यूटोरियल चाहिए, ठीक है, तो उस पर हम और वीडियोज़ बनाएंगे। तो अब डायरेक्टली चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि आपको अब बार पे क्या करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हाथ कैसे इसमें लगाना है, मतलब कैसे फंसाना है, कैसे सपोर्ट रहेगा आपका, तो वो नवीन ने कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे हल्का सा स्विंग स्टार्ट करना है, ठीक है, हल्का हल्का स्लो स्विंग, बस ये स्लो स्विंग आपको बस बॉडी मेंटेन करना है आप पे, ठीक है, टाइट रखना है, बस ऐसे ही स्विंग करना है आपको, बस लाइट स्विंग, बस इतना ही। अभी क्या होगा, स्टार्टिंग में आपका हाथ छूटेगा, आपको जमेगा नहीं, हाथ थोड़ा सा स्टिफ लगेगा आपको, तो बस आपको बस ये हल्का हल्का स्विंग, ऐसे फ्री स्विंग होना चाहिए। आप देख सकते हैं, ओके, आप हाथ भी देख सकते हैं नवीन ने कैसे पकड़ा हुआ है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि आपको ये स्लो स्विंग करना है, क्यों स्लो स्विंग करना है, क्योंकि आपका ग्रिप भी रेडी होगा ऊपर, आपको ये बार कैसे पकड़ने और इसके सपोर्ट के साथ आपको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ये आपको वो स्लो स्विंग से आएगा। तो कम से कम आपको ये स्लो स्विंग तो मतलब एक हफ्ते दो हफ्ते तक आप बिल्कुल चलाओ इसको, ठीक है, एकदम जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि ये रिस्क वाला भी काम है, ठीक है, रिस्क वाला भी काम है। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, थोड़ा टाइम दोगे, आपके बॉडी मूवमेंट के साथ चलोगे, तो बिल्कुल ईजी है। और अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो आपका हाथ भी छूटेगा और आपको इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। तो यही स्लो स्विंग आपको मैक्सिमम करना है। अब हम आगे चलते हैं। तो जब आपका स्मूथ मूवमेंट चालू हो जाएगा स्विंग में, तो अब हम थोड़ा आगे स्विंग को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप पार्टनर की हेल्प भी ले सकते हैं और सेल्फ भी कर सकते हैं। और पार्टनर की हेल्प इसलिए क्योंकि जिमनास्टिक आपको हमेशा ही सेफ्टी के साथ करके दिखाएगा, ठीक है। हल्का हल्का स्विंग, बस इतना ही, देखो बार के लेवल पे, बस स्विंग लेवल पे, बस स्विंग लेवल पे, वेरी गुड, बस ठीक है, बहुत अच्छा। और हाथ आप देख सकते हैं कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से रोटेट हो रहा है, बस ये बॉडी देखो आपको मेंटेन रखना है, पूरा बॉडी एक लाइन में चलना चाहिए,
तो आपको ये अपने आप ही कॉन्फिडेंस फील होगा कि मतलब आप जब स्लो स्विंग करोगे आपका हाथ बिल्कुल जमना स्टार्ट हो जाएगा, आपका मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ होना चालू हो जाएगा। फिर क्या होगा कि आप धीरे धीरे स्विंग खुद ही बढ़ाना चालू कर दोगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि आप सेफ्टी के लिए अपने कोई भी दोस्त या किसी को आप रखो कि आप सेल्फ करोगे, और कभी आपका स्ट्रैप अगर लूज पड़ गया या कुछ भी अगर एक्सीडेंट होता है तो फिर इंजुरी भी होने का चांसेस है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको कहीं भी ये ट्रेन करो तो जिमनास्टिक्स एकेडमी में जाओ, कोई भी अच्छे जिमनास्टिक एकेडमी में, या फुल सेफ्टी लो या अपने टीममेट अपने पार्टनर्स को वहाँ पे खड़ा करो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो गैस अब आपको थोड़ा सा स्विंग और इम्प्रूव करना अपना, ठीक है। अभी हमारा बार के लेवल पे था, अब देखना क्या करना है, बस ऊपर जाना, ठीक है। हल्का सा स्विंग बढ़ाना आपको, स्विंग हाँ बस यहाँ तक देखो, ठीक है। ये क्या, ये हैंड स्टैंड, ठीक है। सामने से बस आपको पिक करना है यहाँ पे, हाँ। फिर बॉडी मेंटेन करके तो आपने देखा कि नवीन ने क्या किया, जब उनका स्विंग यहाँ तक जा रहा था तो अब वो पीछे ले रहे हैं और सामने की तरफ थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि वो हैंड स्टैंड तक पहुंचे। थोड़ा सा जाना है पीछे और इसको मेंटेन करके सामने की तरफ मारना है और सामने थोड़ा बार के ऊपर जाना चाहिए, और मैं भी उसमें हेल्प कर रहा था थोड़ा, ठीक है। तो आपको इसके लिए बॉक्सेस चाहिए, थोड़ा सा बॉक्सेस या कोई भी प्लेटफॉर्म आपके पास अगर होगा ये चीज तो बिल्कुल आप कर सकते हो, नहीं तो आपको जिमनास्टिक्स एकेडमी में तो बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। कोई भी जिमनास्टिक एकेडमी उनके पास ये सब सेटअप रहता है, तो वहाँ पे जाओ, आपको अगर सीखना है तो बिल्कुल इसलिए आप सीख सकते हो, नहीं तो आपको ये थोड़ा सा लाना पड़ेगा अगर आपको हेल्प चाहिए तो। और मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में हेल्प चाहिए आपको, या तो अगर आपको स्ट्रेट आर्म सीखना है, स्ट्रेट आर्म, क्योंकि कैलिस्थेनिक वाले मोस्टली क्या करते हैं वो बैंड आर्म सीखते हैं ये चीज़, तो बैंड आर्म उतना सही मुझे नहीं लगता जिमनास्टिक, क्योंकि हम यहाँ पे जिमनास्टिक को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमने जिमनास्टिक्स किया है और जिमनास्टिक का टेक्निक सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो स्ट्रेट आर्म आप जब करो तो बहुत सारे स्किल आप सीख सकते हो, बैंड आर्म में उतने स्किल्स नहीं सीख सकते, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रेट आर्म सीखो और बहुत ही फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा आपको। अब हम चलते हैं इससे और एडवांस में, तो अब हम चलेंगे थोड़ा सा एडवांस मूवमेंट में, ठीक है। तो अभी हमने बार से थोड़ा ऊपर यहाँ पे हैंड स्टैंड किया था, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे भी स्विंग बढ़ाएंगे, और पीछे से स्विंग जब आएगा तो आपको और फोर्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हैंड स्टैंड तक जाएंगे और फिर आपको जैसे मैंने बताया था हैंड स्टैंड फॉल, तो वही होगा बिल्कुल, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये हुआ। अब देखो स्विंग थोड़ा पीछे बढ़ा रहे हैं हम, अब सामने की तरफ हैंड स्टैंड तक, ठीक है। अब पीछे बढ़ाए हम, अब सामने की तरफ हैंड स्टैंड तक, ठीक है। अब स्लो फॉल करना है, ये ठीक है, गुड, स्लो फॉल, गुड, ओके। तो स्टार्टिंग में आप लगातार मत करो, एक दो जॉइंट करो, उसके बाद उतर जाओ, फिर एक दो जॉइंट करो, फिर उतर जाओ, जब आपका हाथ और सेट हो जाएगा, आपको डर खत्म हो जाएगा, फिर आप दो तीन लगातार स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल। और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ मैं कि अगर इस टेक्निक से आप नहीं कर पा रहे हो तो हम आपको बिल्कुल बेसिक टेक्निक, जो एकदम एडवांस मूवमेंट भी है, एडवांस टेक्निक भी है, और उसमें बारीकी से सिखाया जाता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एकदम, तो वो चीज़ अगर आपको सीखना है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करो और हम आपको उसको ट्यूटोरियल देंगे जल्दी से जल्दी। तो गैस अब आप कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या क्या सीखने मिला, बिल्कुल आप नीचे लिख के बताओ कि आपको कौन से न्यू टेक्निक्स आपको यहाँ से मिले। तो अब डायरेक्टली मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे फोकस।